ओम शांति जरूर लिखिएगा। एक बड़ी ही दुखद भरी खबर जो है वो सामने आ रही है। यहाँ पर एक बार फिर से बिजली डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से एक पीडीडी डेली वेजर्स की जो है वो जान चली गई है। काफी दुखद भरी खबर है क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है जनाब। इससे पहले भी कई बार बिजली डिपार्टमेंट के जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी तरफ से इस तरह की लापरवाहियां देखने को मिलती हैं कि जब लाइनमैन जो है वो खंबे पर जो है वो बिजली को ठीक करने का काम करते हैं लेकिन ऐसे में पीछे से जो है वो बिजली छोड़ दी जाती है और उसमें उनको जो है वो अपनी जान गंवाना पड़ती है। लेकिन ऐसे में जनाब पीछे जब परिवार रह जाता है तो उसमें उस परिवार पे क्या बीती है, ऐसा ही एक समाचार जो है वो इस समय का बड़ा ही दुखद जम्मू कश्मीर के उधमपुर के अंदर रामनगर के अंदर एक थपलाल इलाका है वहां से सामने आ रही है। यहां पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से काफी ज्यादा तूफान जो है वो जम्मू में देखने को मिला लेकिन ऐसे में कई सारी जगहों की बात करें तो वहां पर बिजली की सप्लाई भी जो है वो उस पर असर पड़ा था। लेकिन ऐसे में रामनगर के थपलाल इलाके से एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आ रही है कि एक बिजली डिपार्टमेंट में तैनात डेली वेजर की करंट लगने से जान चले गई है जिनकी पहचान सुरम चंद सनाफ शिवराम जो कि रामनगर के बडोल इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। परिवार में जो है मातम है, परिवार में गुस्सा है कि आखिरकार डिपार्टमेंट ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी कि जब उनके घर का सदस्य जो है वो खंबे पर चढ़कर वहां पर काम कर रहा था लेकिन ऐसे में बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से पीछे से बिजली की सप्लाई जो है वो छोड़ दी जाती है और जिसके नतीजे में यहां पर 46 से 47 साल के करीब के एक डेली वेजर सुरम चंद की जान चले जाती है। और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से इस समय जो है वो जो प्रेसिडेंट हैं डेली वेजर्स यूनियन के वो हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर है। इनसे हम पूरी वारदात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे लेकिन आप सब लोगों से कहेंगे कि अगर आप भी बिजली डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में जनाब डेली वेजर हैं तो इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आज इसके साथ ऐसा हुआ है तो कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लगातार ऐसी लापरवाहियां अब जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। एडब्ल्यू रामनगर से हमारी बातचीत हुई है वो भी हम आपको सुनाएंगे लेकिन सबसे पहले इस समय जो है वो हमारे साथ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से डेली वेजर्स यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ इस समय जो है वो फोन लाइन पे इनसे बात करेंगे। राकेश जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नमस्कार जी। जी राकेश जी क्या पूरी ये घटना हुई है सुबह सुबह जो एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है? बहुत दुख से साथ में कहना चाहता हूँ कि हमारा भाई एक सूरज सिंह जो दिल्ली जैसे था तो हमारे बहुत ही आज सुबह सुबह जो कोरोना काम हुआ है तो घर से निकलता है और टोल पे चढ़ता है और टोल पे चढ़ते उसको तुरंत छाड़ बजती है और वो खंभे के नीचे गिर जाता है और आसपास उसकी मौत हो जाती है। राकेश यही अध्यक्ष से कहना चाहता हूँ कि दिन ब दिन हमारे साथियों के साथ ये डेली वेजरों के साथ क्यों ये ऐसे हादसे हो रहे हैं तो इसके ऊपर किसी ने भी अभी तक कोई हमारा अस्पताल कोई भी हमारे पास नहीं पहुंचा है। तो बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना ये जा रहा हूँ कि बाकी दुनिया को सभी को पता चल गया कि एक डेली वेजर की मौत हो गई है टिकने का कारण लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई भी सीनियर अधिकारी नहीं पहुंचा है। राकेश जी क्या कोई सेफ्टी किट वगैरह वहाँ पर उन्हें प्रोवाइड नहीं किए गए थे कि जिसे अगर हादसा पेश पे आया तो कम से कम उनकी जान बच पाती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये खाली कहने की बात है लेकिन ग्राउंड से हमें कुछ मान नहीं दिया जाता है। ऐसे ही खाली जो प्लास है वो भी हम अपनी टीम से लेकर पोल पे काम करने जाते हैं लेकिन अभी हमारे कोई भी जो सेफ्टी किट होती है वो हमें कोई नहीं इशू की गई है। ये कौन सी जगह पर ये सुबह सुबह कौन सी जगह पर ये घटना पेश आई ये थोड़ा बताएंगे? ये रामनगर बिजली कॉलेज के पास एक मनसा देवी जगह वहाँ पे फोन का काम करने जाता है वो और पार उसकी है। तो इनके घर में कौन कौन है, कितनी उम्र होगी इनकी, लगभग कुछ पता है इस बारे में? उनकी उम्र तकरीबन 45 साल के करीब है और दो इसके बच्चे हैं। अच्छा तो अभी तक परिवार को इसके बारे में पता चला है कि उनके घर के किसी सदस्य को ऐसा हुआ है? हाँ, परिवार वाले पहुंच गए, परिवार क्या सभी को पता चल गया है जितने भी हमारे साथी हैं और बाकी गांव वाले भी जितने तंगाल की तरह पहुंच गए लेकिन अफसर साहब जी कह रहे हैं कि हमें अभी तक उनको कोई खबर नहीं है। राकेश जी क्या लगता है कि ये इनकी लापरवाही जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं इनकी लापरवाही की वजह से आए दिन ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं क्योंकि ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो उससे भी कोई सबक नहीं सीखा इन्होंने? बिल्कुल सही बात है, सभी जो भी है झूठे आश्वासन देते हैं। आपको पता होगा कि पिछले डेढ़ महीने की बात है कि एक बसंतगढ़ में अस्थियों की मौत हो गई थी लेकिन उस पर कितना इश्यू उठा था कि हमारा जो डेली वेजर मरता है उस पर कोई भी सरकार गौर नहीं करती है, उसे 20-25 लाख का टैक्स दिया जा रहा है, हमारे डेली वेजर को 100 रुपए तक नहीं दिए जाते। हमारे साथ बहुत सी इंसाफी हो रही है, बिल्कुल दगेबाजी हमारे साथ कर रहे हैं कि
क्या हमारा जो सिपाही मरता है क्या ये सिपाही नहीं है जो दिन रात लोगों की सेवा करता है और घर घर पर पीछे दिखाता है, ये एक मर जाता है तो कीड़े मकोड़े की तरह चिलास को दबरा जाता है और कहते हैं कि जाए ऐसे कीड़ा मकोड़ा मर गया। हमारे साथ ये बहुत अन्याय हो रहा है तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ये हमारी लास्ट की चेतावनी है, आप अभी इस टाइम पर शायद चले जाए, लेकिन मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि आज के बाद हम जो काम करेंगे हमारे साथ कोई असर दयान साथ में होगा, निरा हम काम नहीं करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से जो इस यूनियन के डेली वेजर्स के प्रेसिडेंट हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से, वो हमारे साथ थे, लेकिन बड़ा ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उधमपुर जिले की तहसील रामनगर के अंदर थपलाल इलाके में जो है वो एक बड़ी ही दुखद घटना पेश आई है, जब एक डेली वेजर बिजली डिपार्टमेंट के खंभे पर चढ़कर वहां पर बिजली की लाइन को ठीक कर रहे थे, लेकिन ऐसे में जनाब ये बिजली डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे उनकी तरफ से लापरवाही की गई, जिसमें पीछे से जो है बिजली को छोड़ दिया गया और जिसके नतीजे में 46 से 47 साल की उम्र के असुरम चंद सनफ शिवराम जो कि बडौल इलाके के रहने वाले थे, बिजली डिपार्टमेंट में डेली वेजर जो है वो लगे हुए थे, लाइनमैन के बतौरे तौर पर काम करते थे, और ऐसे में सुबह सुबह जब ये खंभे पर चढ़ते हैं तो ऐसे में पीछे से बिजली की सप्लाई को छोड़ दिया जाता है और जिसके नतीजे में इनकी जो है वो जान चले जाती है। और इस हवाले से जो कंसर्निंग जो एडब्ल्यू हैं उनसे भी हमारी टेलीफोनिकली बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुने। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, एडब्ल्यू साहब बोल रहे हैं रामनगर से बिजली डिपार्टमेंट से। जी सर, ये आपके एरिया में कोई किसी लाइनमैन की डेथ हुई है डालसर वाली साइड? तो नहीं, डालसर वाली साइड नहीं, कोई थपलाल वाली साइड। अच्छा सर, ये क्या कारण रहा है भला? कारण अभी तो ये बता रहे हैं कि खंभे से गिरे हैं। अभी डिटेल में तो पता नहीं है। अच्छा। सर, लाइनमैन का नाम वगैरह कुछ पता है? सूरमचंद। ये कहाँ के रहने वाले थे? बडौल के। अच्छा, तो ये सुबह सर सुबह का इंसिडेंट है या रात का इंसिडेंट है? सुबह का है। तो ये डेली वेजर थे या परमानेंट थे? अच्छा, तो सर ऐसे लोकल्स लोग जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पीछे से लाइट छोड़ी गई है, करंट लगने से हुआ है ये सब? सर मैं भी देखो, हमें भी लोग फोन कर रहे हैं, साथ में लाइन भी थे, दूसरे भी हैं, सब पता करके तो फिर बता दें। सर सुबह का इंसिडेंट हुआ है और आप कह रहे हैं कि अभी तक मतलब आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। वहाँ के लोग हमें फोन करके बुला रहे हैं, सब कुछ मतलब वहाँ पे बुला रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है। सर आप खुद ही तो कह रहे हैं कि मैं अभी साइड पे पहुंचा नहीं हूँ, मेरे को अभी इतना पता नहीं कि लाइन जो आप कह रहे हो कि लाइन छोड़ी गई तो उससे होगी, कैसे बता दूंगा आपको अभी, नहीं कुछ का पता होगा सारा कुछ, अभी तो सारे बंदे हमारे इतने लगे हुए हैं। अभी तक आपको ये नहीं क्लियर हो पाया है कि बिजली छोड़ी गई थी या क्या था क्या? ये बात इंक्वायरी होगी। अच्छा सर, अगर वो गिरे ही हैं तो उनको क्या सेफ्टी किट वगैरह जो भी होता है वो प्रोवाइड नहीं किए गए थे? प्रोवाइड किए होते हैं। फिर वो कैसे उनका पाँव स्लिप हो गया? कैसे का क्या जवाब होता है आप ये सर, वो आप बेहतर जानते होंगे ना, क्योंकि जब आप उन्हें पूरा आप बेहतर जानते हो, आप जो कैसे पूछ रहे हो कैसे का कोई मतलब ये तो सर, जब सेफ्टी किट वगैरह सब कुछ हो तो फिर तो अगर सर पर भी हेलमेट वगैरह जो रहती है उनकी, बाकी जो बेल्ट्स वगैरह रहती हैं या पाँव में जो भी रहता है सेफ्टी के लिए, तो अगर वो सब हो तो फिर ये हादसा शायद ना होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सर, क्योंकि लोकल्स लोग बता रहे हैं कि कुछ नहीं था जो फोटोज वगैरह हमारे पास आए। लेकिन सर जो फोटोज मौके के आए हैं उसमें तो कुछ है ही नहीं लगा हुआ। चलो सर, एक बेचारा डेली वेजर है, बच्चा उनका कॉलेज बिल्कुल है, हमारा भाई है, सारा कुछ यही लोग करते हैं, कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं सारा, इसको पता कर रहे हैं। ओके सर, डिटेल में आपको बताते हैं। ओके सर, ये हालत है जनाब रामनगर में तैनात बिजली डिपार्टमेंट के जो एडब्ल्यू साहब हैं, रोहित इनका नाम है,
और जब हमें इसी इंसिडेंट के बारे में पता चला तो हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उससे इसमें जो है वो बातचीत की जाए, लेकिन जिनसे बात की जनाब उन्हें जो है वो खुद इसके बारे में पता नहीं था कि आखिरकार मौके पर क्या हुआ है। कभी वो ये कहते हैं कि हमने सेफ्टी किट प्रोवाइड करे हैं, लेकिन जब हमने ये कहा कि जनाब हमारे पास तो फोटोज तक आए हैं लेकिन वहां पर उन्होंने कोई भी सेफ्टी किट या हेलमेट वगैरह जो भी रहता है वो कुछ भी नहीं पहना है, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि हाँ वो तो मुझे ही पता है कि उन्होंने नहीं पहने। तो ये अगर ऐसे अफसर जनाब इस डिपार्टमेंट में बैठे होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेली वेजर्स की जान की जो है वो कितनी कीमत है। तो फिलहाल आप सब लोगों से कहेंगे कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में डेली वेजर हैं तो जनाब इस खबर को इतना शेयर करें कि ये खबर जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी तक ये खबर पहुंच सके, और ऐसे अफसरों के खिलाफ जो लोग हमेशा अपने दफ्तर में एसी की हवाओं को लेकर जो है वो चाय पकौड़ा खाने में मस्त रहते हैं, ऐसे अफसरों को जो है वो घर का रास्ता दिखाया जाए ताकि दोबारा किसी और की कीमती जान के साथ जो है वो ऐसा खिलवाड़ जो है वो ना हो। काफ़ी दुखद रहता है जब ऐसी खबरें सामने आती हैं और हम भी हैरान रहते हैं कि ऐसी खबरों को आप जनता तक किस तरह से पहुंचाया जाए। यहां पर एक ये कहें कि एक इतने ऊंची लेवल का जो पोस्ट का एक अधिकारी ईडब्ल्यू जो है वो किस तरह से जो है वो जवाब दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि आप मेरे मुँह में बातें डाल रहे हैं। कभी कहता है कि ये कैसे कैसे हो गया, कैसे का क्या जवाब दूँ। तो अगर ऐसे अफसर जनाब ऐसे ऐसी कुर्सियों पर बैठाए होंगे तो आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि इलाके के लोगों की जो बिजली की सप्लाई देने का जो काम होता है उसको लेकर ये कितना इंटरेस्ट देते हैं, वहाँ पर कितना जो है वो ये उस पर इनका ध्यान रहता है, कितनी चिंता ये करते होंगे लोगों की। लेकिन उसी के साथ साथ जो डेली वेजर्स जो दिन रात लोगों के घरों में बिजली पहुँचाने का काम करते हैं, चाहे वो आधी रात भी क्यों ना हो, डेली वेजर्स को अगर कॉल आएगी तो वो आधी रात को भी जो है वो खंभे पर चढ़ जाएगा, खाना तक नहीं खाएगा, अपने परिवार से उठकर जो है वो काम करेगा, लोगों की सेवा करेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसा हो जाएगा और डिपार्टमेंट खामोश तमाशाई बनकर खरगोश की नींद में सोएगा या फिर खामोश तमाशाई बनकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा तो जनाब जिम्मेदार जो है वो कौन होगा। डीसी उधमपुर जो भी मैडम है वहां पर उनसे भी अपील है कि ऐसे लापरवाही करने वाले जो ईडब्ल्यू साहब हैं इनके ऊपर भी एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए और इनसे भी जवाब मांगा जाए कि आखिरकार जनाब ईडब्ल्यू साहब आप हमेशा जो है वो खरगोश की नींद में ही सोए रहते हैं और आए दिन ऐसे इंसिडेंट, ही कोई पहला इंसिडेंट नहीं है आपके यहाँ पर, जब से आप यहाँ पर ईडब्ल्यू हैं तो ऐसे में कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, कभी किसी जानवर की जान गई है तो कभी किसी इंसान की जान गई है। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून, फिलहाल आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें।